आज हम बनाने वाले हैं चिकन 65 जो कि बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, बहुत आसान है। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। चिकन 65 बनाने के लिए हमें चाहिए बोनलेस चिकन, जिसको हमें क्यूब्स में कट कर देना है। फिर हम कुछ सॉसेस लेंगे, नैंडोज़ का सॉसेस ले लीजिए, और केचप लेंगे, हॉट सॉस लेंगे, सरका लेंगे, सोया सॉस लेंगे। बोनलेस चिकन हमें लेनी है 1 kg, उसे हम छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर देंगे। और इसके अंदर हम थोड़ा सा डाल देंगे सिरका, ताकि इसके जो भी हीक है वो ख़त्म हो जाए। फिर इसके अंदर हम डालेंगे नमक, जो कि हमें हसबे जायका लेना है। नमक डालने के बाद फिर हम इसमें डालेंगे काली मिर्चें। काली मिर्चें हमें लेनी है 1 teaspoon। और इस स्टेज पे हम चाहें तो इसमें थोड़ा सा गार्लिक, चॉप गार्लिक भी डाल सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आपको फ्लेवर अच्छा लगे। फिर हमने थोड़ा सा फूड कलर डालना है, फूड कलर हमने डाला है 1 teaspoon, और इसको अच्छे से, बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर हम डालेंगे हॉट सॉस और हम इसे मिक्स करेंगे। मिक्स बहुत अच्छे से करना है, इसका स्पेशल इंग्रेडिएंट ही इसका कलर है, कि इसका जो कलर है थोड़ा सा रेडिश होता है, इसलिए बहुत फेमस है ये चिकन 65। और बच्चों के लिए बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी है, आप लोग ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। मैरिनेट हमें 1 hour के लिए करके रख देना है। जब 1 hour हो जाएगा फिर हम इसे करेंगे फ्राई। और फ्राई करते वक्त हमें ध्यान देना है कि इसे हम सारी एक साथ नहीं डालेंगे, 1 by 1 करके डालेंगे, शैलो फ्राई करेंगे। और मेरे फ्रेंड्स, आप लोग ने अभी तक मुझे सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया है? अगर नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और तमाम वीडियोस को देखिए, उसे अप्रिशिएट कीजिए और ज़रूर ट्राई कीजिए, और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अब हम इसे करते हैं फ्राई। तो फ्राई करने के लिए हमें थोड़ा सा जो है शैलो फ्राई करना है, तो उसके लिए हम थोड़ा सा ऑयल लेंगे और 1 by 1 इसे हम डालेंगे। ये देखें, अब हमने इसको जो है वो शैलो फ्राई करेंगे। और मेक श्योर कि आपका जो ऑयल है वो गर्म हो जाए। और अब हम इसे डालते हैं। बहुत मज़ेदार ये रेसिपी है, आप अपने बच्चों की जो पार्टीज़ होती हैं, बर्थडे पार्टीज़ होती हैं, आप उसमें बनाइए और सबको बहुत पसंद आएगी। और चाहें तो आप इसको जो है वो स्पेगेटीज़ के साथ भी सर्व कर सकते हैं, बहुत यम लगेगा। ठीक है, अब हमने इसको फ्राई कर रहे हैं। फ्राई करते वक्त हमें इसे ज़्यादा हिलाना नहीं है, हम चाहते हैं कि इसका जो टेक्सचर है वो बहुत अच्छा सा आए, और इसका जो मसाला है वो जो है वो पैन पे लगे ना रह जाए। सो हम इसको बिल्कुल भी छेड़खानी नहीं करेंगे, इसे अच्छे से फ्राई होने देंगे। 10 minutes के लिए फ्राई करते हैं, और फिर इसे जो फर्स्ट बैच हो जाएगा हम उसे डिश आउट कर लेंगे। इसी तरीके से सेम प्रोसीजर हम सेकेंड बैच के लिए करेंगे। अब हमारी चिकन जो है वो फ्राई हो चुकी है, तो हम इसे बारी बारी जो है वो प्लेटर पे निकाल लेते हैं। फिर हम दूसरा बैच डाल देंगे, उसे भी सेम प्रोसीजर से हम फ्राई करेंगे, और मीडियम फ्लेम पे हम इसे फ्राई करेंगे। देखें, बहुत मज़ेदार इसका जो है वो कलर दिख रहा होगा आपको, टेक्सचर बहुत अच्छा आ रहा होगा, बहुत मज़ेदार इसकी खुशबू आती है। ज़्यादा स्पाइसेस नहीं डाले हैं, तो इसलिए बच्चों के लिए बहुत फेवरेट हो जाएगी इंशाल्लाह। और अब हमारी जो चिकन बस डन होने वाली है, चिकन को अब हमने निकाल दिया है प्लेटर्स पे, और ये बहुत मज़ेदार लग रही है, आप लोग ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। अब हम इसके लिए बनाएंगे ग्रेवी। ग्रेवी के लिए हमने जो है वो लेना है वेजिटेबल्स लेने हैं, आप कैप्सिकम और अनियन लें अपनी चॉइस के हिसाब से। अब हमें लेना है 1/2 cup oil, और 1/2 cup oil के अंदर हम डालेंगे अनियन जो हमने क्यूब में कट करी है, इसे हम स्टर फ्राई करेंगे। ये देखें, हमने इसमें अनियन डाल के अब हम इसको स्टर फ्राई कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा नहीं करना है इसे फ्राई, जिसका क्रंची जो है वो टेक्सचर रहना चाहिए। और इसको फ्राई करके फिर हम इसके अंदर डालेंगे अपनी डिफरेंट सॉसेस और स्पाइसेस। ये लीजिए, ये हमारी जो है वो अनियन फ्राई हो गई है। अब हम इसके अंदर डालेंगे केचप। केचप हमने 1/2 cup लिया है, ये हमने केचप ले लिया। चाहें तो आप इसके बजाय टोमेटो प्यूरी भी ले सकते हैं, इट्स अप टू यू। एंड देन हम इसे फ्राई करेंगे। ग्रेवी बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि चिकन 65 है तो इसमें ग्रेवी की रिक्वायरमेंट कम होती है। सो अब हम इसमें डालेंगे बिल्कुल 1/2 teaspoon सॉल्ट, क्योंकि हम ऑलरेडी चिकन में मिक्स कर चुके हैं सॉल्ट। और फिर हम ऐड करेंगे 1/2 teaspoon रेड चिली फ्लेक्स, बहुत चुन्नू सा डालना है, ज़्यादा स्पाइसेस नहीं करने हैं। एंड देन फिर हम इसमें डालेंगे
हाफ टी स्पून। ये डाल दिया हमने। अब हम इसके अंदर डालेंगे सोया सॉस। सोया सॉस हमें बहुत चुन्नू सा 2 ड्रॉप्स डालने हैं, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। ये हमने इसमें सोया सॉस डाला है। अब हम इसमें डाल रहे हैं हॉट सॉस, वो भी हमने तकरीबन हाफ टी स्पून के करीब डाला है। ये हमने सॉसेस डाल दी हैं और अब हमने डाला है थोड़ा सा जो है वह विनेगर, ठीक है, जस्ट ड्रॉप ऑफ विनेगर डाल दिया। एंड देन अब हम इसे फ्राई कर रहे हैं। ये सॉसेस हमारी डल गई हैं, ग्रेवी के लिए बिल्कुल परफेक्ट और बिल्कुल बैलेंस सॉसेस हैं, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। और अब हम इसके अंदर डालेंगे चिकन जो हमने डाली थी, चिकन हमें मैरिनेट करके फ्राई करी थी। अब हमने इसको इसमें मिक्स करना है, सौते करना है, बहुत अच्छे से इसे मिक्स करिए। और फिर एंड में हम डालेंगे इसके अंदर थोड़ा सा चॉप किया हुआ गार्लिक फ्लेवर के लिए। आप चाहें तो इसके ऊपर सीसम सीड्स भी डाल सकते हैं, बहुत खूबसूरत इसका जो है वो लुक आएगा और बहुत हेल्दी जो है वो ये रहेगी। और जो बच्चे हैं बहुत मज़े से इसे इंजॉय करेंगे। ये देखें हमारी जो है वो चिकन 65 रेडी होने वाली है। अब हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ी सी प्याज और डाल देंगे और फिर हम इसके अंदर डालेंगे तो जो है हमारी क्यूब्स कीवी कैप्सिकम और साथ ही हम इसमें डालेंगे स्प्रिंग अनियन और थोड़ी सी प्याज जो हमने अलग बचा ली थी वो भी हम डालेंगे ताकि इसे क्रंची सी वेजिटेबल हमें सामने नज़र आए। और ग्रीन चिलीज़ हमने डाली हैं स्लाइस करके और बहुत मज़ेदार ये जो है वो चिकन 65 रेडी हो गई है। थोड़ी सी देर इसको हम जो है वो दम देंगे ताकि सारे फ्लेवर्स एक जान हो जाएं। और फिर आप इसे तंदूरी नान के साथ सर्व कीजिए, राइस के साथ सर्व कीजिए। बहुत मज़ेदार ये रेसिपी है। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। टेक केयर, अल्लाह।